वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रायल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी मैं जस्ट करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो को कंप्लीट करके आता हूं और राइट उसके बाद मुझे पता लग रही है ये चीज़ कि जो आपके इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस हैं और जो एयर सुविधा पोर्टल है वो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट पर जाता हूँ तो वहाँ पर अभी कोई भी गाइडलाइंस रिवाइज PDF कॉपी जो है उसकी उन्होंने नहीं डाली है, ठीक, जिसमें ये क्लॉज दिया हुआ है कि जो लोग सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से ट्रैवल करेंगे उनको PCR टेस्ट अपना करवाना है, ठीक है। तो हम उसकी वेट करेंगे और मुझे ऐसे लगता है कि एयर सुविधा पोर्टल या जो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस हैं वो आपको मिल जानी चाहिए बाय फ्राइडे दिस वीक। मतलब एयर सुविधा ना भी मिले, बिकॉज एयर सुविधा पोर्टल को अगर वो चालू करेंगे तो उसको वेबसाइट को अप करने में, डोमेन को दोबारा चलाने में लगभग कुछ 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। तो हो सकता है कि मंडे ऑनवर्ड्स, मतलब कि 1st of January से जब इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एयर सुविधा रात को 12 बजे के आसपास कहीं खुल जाए। तो उसके ऊपर जो भी अपडेट होगा एक रिवाइज्ड वीडियो कर दूंगा डेमो के साथ। और जो गाइडलाइंस है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अवेलेबल होनी चाहिए बाय फ्राइडे दिस वीक। आती है नहीं आती वो अलग बात है, मैं एक रिवाइज वीडियो उसके बारे में कर दूंगा आप लोगों के साथ में। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं इस वक्त एक तो चाइना जो है वो खुलने जा रहा है, ठीक है, चाइना रीओपनिंग के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा मैं, और किस तरीके से मतलब कंट्रीज तैयारियाँ कर रही हैं इस इनका ये मूव देख के चाइना का, और प्रेजेंट सिचुएशन इन कंट्रीज़ में खासकर जो चाइना है, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड एंड सिंगापुर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा अगर कुछ लोग इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने लगे हैं या करके वापस आएंगे। ओके, तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने इस वीडियो को आज बनाया है। तो मैंने जो मेन अपडेट था आपको दे दिया है इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस के बारे में और एयर सुविधा के बारे में। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ फटाफट से कि चाइना जो है खुलने जा रहा है बाय द वे, और January 8 से खुल जाएगा। जितने भी इनबाउंड पैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो चाइना एंटर करेंगे उनको एक RT-PCR टेस्ट अपना करवा के जाना पड़ेगा। जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो January 8 से ही खुलने जा रहा है और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैसे चाइनीज़ नेशनल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है अभी तक की, और जो कोविड कमेटी है चाइना की वो इसे डाउनग्रेड कर रहे हैं, मतलब कि Class A, B, C इन्होंने बनाई हुई थी, तो क्लास ए से पैंडेमिक को ये लोग अब मूव कर रहे हैं क्लास बी के अंदर। फिर जितने भी लोग बिजनेस विजिट्स के लिए जाना चाहते हैं चाइना में या स्टूडेंट्स जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, तो उनके लिए भी खुल जाएगा, टूरिस्ट के लिए भी खुलेगा चाइना, और कोई क्वारंटीन नहीं होगा। ऑन अराइवल कोई PCR टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ प्री डिपार्चर टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा 48 आवर्स की वैलिडिटी का, और ऑन अराइवल को टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई क्वारंटीन आपके लिए नहीं होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो चाइना तो खुल रहा है लेकिन और कंट्रीज इसको किस तरीके से देख रही है और क्या तैयारियाँ वहाँ पे चल रही हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ शुरू करने से पहले कि हांगकांग भी जो है, एक लेटेस्ट अपडेट है आज का कि हांगकांग ने भी कोविड के रूल्स क्रैप कर दिए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी आपका RT-PCR टेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा जापान अपडेट से, जो मैंने यहाँ पे नोट भी करके रखा हुआ है। और अभी जापान क्या कर रहा है बेसिकली कि हांगकांग एयरलाइंस की फ़्लाइट, कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट्स जो हैं अब नहीं चलेंगी सपोरो जो उनकी प्रोविंस है, और क्या है फुकुओका और नाहा करके, इन प्रोविंसेस में नहीं चलेंगी। लेकिन जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं चाइना की, हांगकांग की, मकाओ की, वो सिर्फ उतर सकती है नरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हनीदा पे, कंसाई पे और शुबू पे। ओके, यहीं पे उतर सकती हैं फ़्लाइट्स, लेकिन और रीजन्स के अंदर फ़्लाइट्स नहीं उतर सकती, खासकर हांगकांग की फ़्लाइट्स नहीं अभी उतर सकती, ठीक है ना। दूसरा, सिंगापुर क्या कर रहा है कि सिंगापुर ने कोई भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस चाइना पे यहाँ पे नहीं लगाई हैं, बिजनेस एज यूजुअल। तो वहाँ पे सिर्फ सिंगापुर के केस में एनीबडी कैन ट्रैवल टू सिंगापुर राइट नाउ, और अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो उस केस के अंदर आपको एक PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाना पड़ता है अपनी होम कंट्री से, और मेडिकल इंश्योरेंस जो है शॉर्ट टर्म विजिटर्स को यहाँ लेनी पड़ती है। ओके, तो सिंगापुर चाइना को देखते हुए कोई भी चेंजेस रिस्ट्रिक्शंस में नहीं करने जा रहा है। ओके, मलेशिया जो है कुछ सर्वेलेंस मेजर्स जो है यहाँ पे ले रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं कि चाइना का बिजनेस उनके पास जल्दी से जल्दी आए, विच इज़ वरिसम, लेकिन जो भी है लेट्स सी कि हाउ इट गोज़, आगे किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं डिपेंड करता है इन्फेक्शन रेट पर।
इसके अलावा थाईलैंड की मैं बात करूँ तो थाईलैंड इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट नाउ, वेरी क्लोजली दे मॉनिटरिंग द सिचुएशन. जब से चाइना ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो जनवरी 8 से खोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी मीटिंग्स चल रही हैं. पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वहाँ की एक्शन में आ गई है और दे प्लानिंग कि किस तरीके से आगे मूव करना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए लगानी है नहीं लगानी है. बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ हम लोगों के लिए, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, ठीक है. वो सिर्फ चाइनीज टूरिस्ट के लिए हो सकती हैं. ऑलराइट, अब मैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है कंट्रीज़ में उसके बारे में थोड़ी आपके साथ बात कर लेता हूँ. तो करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो मैंने अभी डाली है, उसे आप जाके रेफ़र कर सकते हैं. तो बेसिकली ये है कि सारे न्यू ईयर पार्टीज़ और काउंटन पार्टीज़ वहाँ चलेंगी. खाओसान रोड में भी बिजनेस एज यूजुअल है, क्लब बार चलेंगे, लेकिन काउंटन पार्टीज़ नहीं होगी वहाँ पर. पटाया में चीज़ें नॉर्मल हैं, फायरवर्क्स नहीं होंगे बस, और कोई भी बार्स क्लब्स कहीं पर भी अक्रॉस द कंट्री बंद नहीं होने जा रहे हैं. तो थिंग्स आर नॉर्मल देयर. जितने भी लोग आए हैं वहाँ से, उन्होंने बोला है कि रैंडम सैम्पलिंग ही चल रही है एयरपोर्ट पे. 2% लोगों का, पैसेंजर्स का ही रैंडमली टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है. तो कोई मैंडेटरी अभी तक नहीं है. जो भी चीज़ें हैं अब नेक्स्ट वीक से लागू होने जा रही हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं कि साउथ कोरिया में इस वक्त क्या चल रहा है. उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, एक छोटी सी स्लाइड बनाइए क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप उसे फटाफट से देख लें. तो यहाँ पे है रिगार्डिंग द कोविड आउटब्रेक, इट्स नॉट एक्सट्रीमली सिवियर राइट नाउ, बट वी वर टोल्ड टू कीप अवर मास्क और मोस्टली ऑल द टाइम्स टू बी सेफ बिकॉज विंटर सीजन में देयर कैन बी अलॉट मोर इन्फेक्शंस. तो मेरे एक जानकार हैं जो कि साउथ कोरिया में हैं इस वक्त, और उन्होंने मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज भेजा इसके रिगार्डिंग. इंडोर मास्क आर स्टिल कंपल्सरी, व्हेन यू टेक द सबवे यू कैन स्कैन योर कार्ड एंड देयर अ नोटिफिकेशन कम्स राइट आफ्टर दैट अर्जिंग पीपल टू ऑलवेज वियर देयर मास्क. फिर आगे हम बात करते हैं जापान की. यहाँ पे तो नेरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ आल्सो नाउ प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, और यहाँ पे आज वेंसडे को काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल, पैसेंजर्स का फुटफॉल देखा गया, और एक्सपेक्टेड है कि 6,18,000 लोग जो हैं या तो वो जापान में एंटर करेंगे या जापान को छोड़ के जाएंगे, ठीक है. जनवरी 5 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है, ये उन्होंने प्रेडिक्शन की है. ओके, इसके बाद है हांगकांग का अपडेट मेरे पास. आज मैंने हांगकांग टूरिज्म बोर्ड से बात की है डायरेक्ट, और मैंने उन्हें लिखा है, हाय देयर, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल टू हांगकांग सून, इज इट सेफ टू ट्रैवल फॉर अ फॉरेन टूरिस्ट, हाउ इज द कोविड सिचुएशन ओवरऑल देयर दीज डेज, डू रिकमेंड अस टू विजिट, आई नो अबाउट ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. तो बदले में उन्होंने मेरे को फिर से जो है कोविड के प्रोटोकॉल्स का ही लिंक दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, स्पेशल थैंक्स टू देम, और वो रिसोर्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ. तो ये मैं अपनी साइट के साथ भी लिंक करने लगा हूँ बाय द वे. तो यहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा कोविड का देखने को मिलता है, हालात वहाँ पे क्या चल रहे हैं हांगकांग में. अगर आप देखें यहाँ पे जो टोटल केसेस हैं, लोकल केसेस हैं, ठीक है, इंक्लूडेड प्लस इम्पोर्टेड केसेस मिला के 5,000 केसेस लगभग यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, और 4,101 लोकल केसेस आप देख सकते हैं. इम्पोर्टेड केसेस हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1,000. कोई भी अपडेट आता है इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस के ऊपर या एयर सुविधा के ऊपर या नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, वी शैल कीप यू पोस्टेड. लेकिन उसके साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, जब भी नेक्स्ट वीक ये रेगुलेशंस दोबारा जारी किए जाते हैं, शुरू होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना अगर आप हाल ही में थाईलैंड से या इन 5 कंट्रीज से विजिट करके आ रहे हैं. ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही कह सकता हूँ. गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.